Hello everyone, you are watching Studious Panda. Hope you all guys are well and fit. If you are preparing for JEE and the NEET or any other competitive examination, then this video is for all of you guys. In this video, I will give you a kind suggestion and recommendation to all of you guys that will help you to crack any examination, not only examination, but also helps you to tackle every hardest situation in the life. In this video, I am going to review a book named that is The Topper's Study Hacks by Mr. Avinash Agarwal, which is published by Disha Publication. It is based on the success story of hundreds of toppers of different competitive examination. So, इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो टॉपर्स होते हैं उनका इन्होंने इंटरव्यू लिया है और उसका जो भी कलेक्टिव एक्सट्रैक्ट था इस बुक के अंदर इन्होंने पब्लिश किया है. So, इस बुक के अंदर आपको क्या देखने मिलता है, इस बुक के अंदर इन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात की है, हाउ द टॉपर्स विल प्रिपेयर, हाउ दे टैकल द सिचुएशन, हाउ टू एनहांस द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाउ टू एनहांस कॉन्सेंट्रेशन और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बातें इस बुक के अंदर पब्लिश की है जो कि प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत हेल्पफुल हो सकती है. तो इस बुक के कंटेंट्स हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस बुक के ऑथर के बारे में जान लेते हैं. सो इस बुक के ऑथर है मिस्टर अविनाश अग्रवाल सर. मिस्टर अविनाश अग्रवाल सर हैविंग अ डिग्री ऑफ बीटेक इन द कंप्यूटर साइंस एंड आल्सो हैव डन एमबीए फ्रॉम द एमडीआई गुड़गांव. ही इज इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स फ्रॉम मोर देन 15 ईयर्स और ये इंडिया के लाखों बच्चों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं. सो अब आते हैं अपनी बुक की तरफ. मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि स्टडी तो करते हैं, डेडिकेशन भी होता है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम होता है बिकॉज दे डोंट नो द एग्जैक्ट प्लानिंग दैट हाउ टू प्रिपेयर. उनको पता नहीं होता है कि स्मार्ट स्टडी कैसा करना चाहिए, स्मार्ट वर्क कैसा करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसा इंक्रीज करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट कैसे रहे स्टडी को लेकर. वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं लेकिन हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं और स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं करते हैं और लास्ट टाइम पे डीमोटिवेट हो जाते हैं. So this book is very important whether you are budding aspirants or you are going to attempt any examination. So this book is one stop solution for all the problems, I think. So this book contains a wide range of the topics starting from why I am studying to what to do after examination. ये बात मुझे अच्छी लगी. इस book की शुरुआत होती है why I am studying से लेकर what to do after examination. वैसे तो इस बुक के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के बारे में इस बुक के डिस्कस करेंगे. सो इस बुक के हम कंटेंट्स को देख लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस बुक के आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर देखने को मिल जाता है व्हाई आई एम स्टडिंग, व्हाट इज वेल डिफाइंड टारगेट और हाउ टू सेट द प्लान, हाउ टू सेट द प्लान टू अचीव द पर्टिकुलर गोल. देन आपको सेकेंड स्टेप में देखने को मिल जाता है हाउ टू स्टडी, then what is time management, how to manage the time. कि हर एक एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. देन उसके बाद में स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड. देन इसके अंदर बताया गया है कि आपको एक्शन प्लान कैसा सेट करना है, ठीक है. उसके बाद में है हाउ टू शार्पन द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ये पार्ट मुझे काफी अच्छा लगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट इट कंटेन्स 100+ स्टोरीज एंड द केस स्टडीज. और सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की ये लगी कि इस बुक की जो लैंग्वेज है वो काफी इजी टू अंडरस्टैंड है. मतलब जो भी इसके अंदर टॉपिक दिए गए हैं उसको वेल मैनर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है. जैसे कि आपको मैं एक टॉपिक बताता हूँ इसके अंदर. जैसे कि हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में, जैसे इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है मेकिंग ऑफ एन एक्शन प्लान. तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि रैपिड रिवीजन किस तरह से करना है, आपको रैपिड रिवीजन को कितना टाइम देना है, लर्निंग फेज को कितना टाइम देना है, आपका प्लानिंग मंथली प्लानिंग कैसा होना चाहिए, वीकली प्लानिंग कैसा होना चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर आपको कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है. तो ये काफी हेल्पफुल है जो बडिंग एस्पिरेंट्स है जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो करंट में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही, साथ में बडिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है. और दूसरी इस बुक की अच्छी बात यह है कि इस बुक के अंदर आपको बीच बीच में मोटिवेशनल कोर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे आपके स्टडी के दौरान. जब भी आप इस बुक को पढ़ोगे कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक टू ऑल ऑफ यू गाइज. आप इस बुक को जरूर पढ़े, ये बुक आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, ये बुक आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे, साथ साथ आपको एक नई दिशा देंगी जिसकी वजह से आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हैं.
सो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। दिस बुक श्योरली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।